कि बड़ा मकाम है आपका, बड़ा मर्तबा है आपका जनाबे मिसम तलवार का। जनाबे मिसम तलवार बयान मौला के साथ इस जगह पे रहा करते थे और काफी चीजें जो आपके लिए बयान की गई है कि जनाबे मिसम तलवार को भी जनाबे मुख्तार के साथ और जनाबे हसीन के साथ आप लोगों को सबको एक साथ तकरीबन कैद कर दिया गया था। जो कैद खाना है यहाँ पर इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे आपको, जो उस कैद खाने में आप लोग कैद कर दिए गए थे, जिंदान के अंदर थे। कहते वहां के लिए ये बाजार में मिलता है कि जनाबे मिसम तलवार सामने खड़े हुए जनाबे हबीब इब्ने मजाहिर को देखते हैं। यहाँ सोचे कैसा उस वक्त समा होगा और कैसा मौका होगा, कूफे का वो माहौल है, जनाबे मिसम है, जनाबे हबीब पर आपकी निगाह पड़ती है, जनाबे हबीब इब्ने मजाहिर पे। कहते हैं कि मैं एक बूढ़ा जवान देख रहा हूँ, जुमला देखें, मैं एक बूढ़ा जवान देख रहा हूँ कि जिसकी रीश को खून से खिजाब किया जाएगा, जिसकी दाढ़ी को खून से खिजाब किया जाएगा। तो कहते मुड़े नहीं थे अभी, जनाबे हबीब मुड़े नहीं थे, आवाज आपके पीछे से सुनी जनाबे मिसम तलवार की। तो कहते मैं भी एक जवान को देख रहा हूँ जिसे सूली पे लटकाया जाएगा, जिसकी जबान को उसकी गुद्दी से खींचा जाएगा और उसके जिस्म को टुकड़े किया जाएगा। कहते हैं दोनों मिले, गले मिले, सलाम दुआ हुई और उसके बाद जनाबे मिसम कहते हैं तुम्हें कैसे पता मेरे बारे में? कहते उसी ने बताया जिसने तुम्हें बताया, उसी ने बताया जिसने तुम्हें बताया। तो गैब की बात है बेटा। उसके बाद जनाबे मिसम तलवार काफी अरसे तक यहाँ पर रहे, जनाबे हबीब वगैरह आप चले गए, आपकी शहादत हो गई करबला में, आपकी शहादत वगैरह बातें हुई, ये सब कैद रहे और उसमें रुशैद हुजरी ये भी जो मौला के सहाबी थे जिनको जनाबे मिसम की तरह शहीद किया गया है। जनाबे मिसम इसी कूफे में यही आपकी बाजार थी और इसी बाजार में एक दुकान थी, आप खजूर बेचा करते थे, इसलिए आपका लकब तम्मार पड़ गया। तम्र कहते हैं खजूर को, तम्मार यानी खजूर बेचने वाला। जनाबे मिसम है, बहुत से वाकयात हैं, ये वाकया मशहूर सुना है बारहा आपने। जनाबे मिसम को कोई काम पड़ा, मौला अली आपकी दुकान पे आते हैं और मौला से कहते हैं मौला थोड़ी देर आप मेरी दुकान पे बैठ जाइए, मैं अपने इस काम को निपटा के मैं आता हूँ। मौला बैठ गए खुशी खुशी मिसम की दुकान पर। उतनी देर में एक शख्स की निगाह पड़ी मौला अली के ऊपर, देखा मौला मिसम की दुकान पर खजूर बैठे हुए बेच रहे, कहते मौका बड़ा अच्छा है। अली क्या जाने ये सब चीजें, दुकानदारी ये सब चीजें, चल चलते हैं अपनी जबान में कहने बहरा। दूसरे जो सोचा था माज अल्लाह चल के अली को बेवकूफ बनाया जाए। आता है, आकर मौला से कहता है, बहरा उसने पैसा दिया, सिक्का दिया और कहा मौला से कि मुझे खजूर दे। मौला ने उसे यानी उस सिक्के में उतनी खजूर नहीं मिलना चाहिए थी जितनी मौला ने दी, बहुत सी भर के उसको उठा के दे दी। वो खुशी खुशी लेकर गया, खुशी खुशी लेकर गया। उसकी बीवी जो थी वो शिया थी, मौला की चाहने वाली थी और ये जरा सा भटका हुआ इंसान था, दुनियादारी में था, इधर भटका हुआ इंसान था। आता बीवी के पास बुलाता, आवाज देता, कहा गई, आओ देखो मैं आ गया हूँ, आओ। बुलाते बीवी आई, भागी भागी आई, खुशहाल खुशहाल पहुंची, क्या हुआ, क्या कहा का पहाड़ जो है तुम फतह कराए, कहा कि जंग जीत के आ गए, क्या ले आए, पाले गनीमत ले आए हो क्या? कहते आज अली को मैं बेवकूफ बनाया है। माशाल्लाह, तुम अली को बेवकूफ बना कर, तुम कहा? हाँ, मैं अली को बेवकूफ बनाकर आ गया। क्या किया तुमने? कहा कि मैंने अली को एक छोटा सिक्का दिया और उसके बदले देखो कितनी एक खजूरें उठा लाया। अब खोलू तो सही, देखे कौन बेवकूफ बन के आया है या बना के आया है। बरल खजूर खोली गई, तो खजूर खोली गई तो उसमें से कीड़े इधर उधर भागना शुरू हो गए और बड़ा जो खजूरे जो थोड़ा अच्छी थी उठा के खाई से देखा खट्टी खजूरे हैं। अब वो जो देवरा था उससे कहना अली ने मुझे बेवकूफ बना दिया और मैंने बता तो मैं पहले ही जानती थी तू बेवकूफ है, तू मेरे मौला को बेवकूफ बनाएगा। कहते वो पलट के आता है, आने के बाद मौला से बहरहाल कहना शुरू करता है कि आपने इस तरह से किया, ऐसा किया। मौला ने कहा कि जा खैर मना, जो छोटे सिक्के में तेरी ये सड़ी खजूरे भी ना आती, मैंने सड़ी के साथ मुझे अच्छी भी खजूरे दे दी। बहरहाल उसके बाद मौला मिसम अगर आते हैं इस जगह पे और मौला ने काफी चीजें उन्हें सिल की चीजें बताई थी। अलमुख्तसर ये कि जनाबे मिसम से कहा है मिसम तुम्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा और तुम्हारे जिस्म को मुस्लह किया जाएगा यानी टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और तुम्हारी जबान को काटा जाएगा और उसके बाद फिर पीछे से
गुड़ती से तुम्हारी जबान को छींचा जाएगा। तो उस वक्त आपने कहा जनाबे मीसम ने कि मौला ये सब क्यों किया जाएगा, कहा मेरी मोहब्बत में। कहते आका हजार जाने फेदा, हजार मरतबा भी अगर मैं जिंदा हूं और पैदा किया जाऊं और ऐसी सूली पे चढ़ाया जाऊं तो मुझे मुबारक है कि आपकी मोहब्बत में मेरे साथ अगर ऐसा किया जाएगा मुझे कबूल है। ये थे अली के दीवाने, ये थे अली के चाहने वाले। कहते मौला ने वो दरख्त भी बता दिया था मिसम कमार को, देखो वो दरख्त है वो वहां पे ये दरख्त, इस पे तुम्हें सूली पे लटकाया जाएगा। कहते हैं रवायत नक लिखी जाती है कि जरा भी मिसम आते थे छोटा दरख्त था वहां पानी लाकर डाला करते थे। कहते कब तू बड़ा होगा, कब तू बड़ा होगा जब तेरे ऊपर मैं लटकाया जाऊंगा, मुझे इंतजार है शहादत का शौक, शहादत का शौक। कहते मालूम हो गया था कि इसी जगह पे मुझे मारा जाएगा, अगर हमारा आपको पता चल जाए कि फला जगह पे जो है मारे जाएंगे, वहां कोई बैठा हुआ है कि वहां पहुंचते ही गोली मार दी जाएगी, तो बहरहाल कहते वो गली की गली क्या पूरा शहर छोड़ के भाग जाएंगे हम लोग, गली तो बड़ा लोग पूरा शहर ही छोड़ के भाग जाएंगे कि वहां मार। लेकिन ये सब अली के दीवाने थे, चाहने वाले थे। पिता है रवायत के जुमरात हैं कि जनाब मीसम्मार को वक्त किया था कि मटवा मदीने जाते हैं और बीबी उम्मे सलमा से आपकी मुलाकात हुई। कहते जनाब उम्मे सलमा ने मीसम के चेहरे को देखा, बहुत गिरिया किया, बहुत गिरिया किया।